हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप कुमार है। स्वागत करता हूँ भाई चैनल गैलेक्सी ऑफ स्पोर्ट्स पे। आज मैं प्रो कबड्डी लीग का सीजन नंबर शुरू होने वाला है 22 अक्टूबर से। सुनने में जो न्यूज आ रही है 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। सभी टीमों के स्क्वाड अपने अपने तैयार हो चुके हैं। आज हम पुनेरी पलटन के फुल स्क्वाड के बारे में बात करेंगे। उनकी कमजोरी क्या है, उनकी मजबूत पक्ष क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले उनके फुल स्क्वाड के बारे में देखते हैं कि कौन कौन है। रेडर की बात की जाए तो मोहित गोयल, इस नाम से कोई मतलब अपरिचित नहीं होगा। पिछले सीजन में काफ़ी कमाल का इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। सेकंड नंबर पर आते हैं असलम इनामदार, दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं पंकज मोहिते, फिर आते हैं आकाश शिंदे, शुभमन सलके और आदित्य शिंदे। ये हमारे 6 रेडर हैं पुनेरी पलटन में। इसके बाद से जो हमारे डिफेंडरों की लिस्ट है उसमें सोमवीर गुलिया जो कि राइट कॉर्नर हैं, फिर इसके बाद से आते हैं अलंकार पाटिल जो भी ये भी राइट कॉर्नर है, इसके बाद से आते हैं अविनेश एन जो है राइट कवर है, फिर बाला साहब आते हैं जो कि राइट कवर है, फिर आपके राकेश गोयत आते हैं जो राइट कवर है, इसके बाद से फजल अंतराचली आते हैं जो लेफ्ट कॉर्नर है, बादल पोरिया आते हैं जो कि लेफ्ट कॉर्नर है, डी महेंद्र प्रसाद आते हैं जो भी ये भी लेफ्ट कॉर्नर है, हर्ष नाट भी लेफ्ट कॉर्नर है, और संकेत सावंत ये भी क्या है, ये लेफ्ट कवर है। इसके अलावा इस टीम में 2 ऑलराउंडर भी हैं। पहले का नाम है मोइन नबी बख्श, ठीक है, दूसरे गोविंद गुर्जर। ये हमारी टोटल जो हमारी पुनेरी पलटन की टोटल 18 प्लेयरों की ये फुल स्क्वाड है, जिसमें से 7 को प्लेइंग 11 में रहना होता है, ये आप सबको पता है। इस टीम को लीड करेंगे हमारे वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं बेहतरीन डिफेंडर फजल अंतराचली, जिसके पहले पिछले सीजन में यू मुंबा के कप्तान थे। यू मुंबा कुछ अच्छा नहीं कर पाई, इनका खुद का परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं था, लेकिन इस वक्त पुनेरी पलटन ने इनको काफ़ी अच्छे 1.30 करोड़ दे के इनको बाई किया है और उम्मीद है कि इस पर अच्छा करेंगे। अब चलते हैं कुछ इसके मजबूत पक्ष के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी रेडरों की बात की जाए तो पिछले सीजन में जैसे कि हम लोगों ने देखा था, पिछला सीजन काफ़ी कमाल का गया था पुनेरी पलटन का, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जबकि मतलब उसमें काफ़ी अच्छे एजेड मतलब कह दिया जाए एक्सपीरियंस प्लेयर थे, रेडर थे, उसके बावजूद भी जो कोच साहब थे अनूप, उन्होंने जितने यंग रेडर थे उन पर काफ़ी ज़्यादा अपना यकीन अपना भरोसा जताया था, जिसमें सबसे ऊपर मोहित गोयल का नाम आता है। पिछला सीजन कमाल का गया था, यंग है, फुर्ती है, हर तरीके की स्किल से भरपूर है ये। इसके बाद से असलम इनामदार, ये 2 नाम है जो कि आपको प्लेइंग 7 में स्टार्टिंग 7 में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी पुनेरी पलटन की। इसके बाद से पंकज मोहिते, ये पिछले 3-4 सीजन से खेलते आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से इनको पूरे 40 मिनट का टाइम किसी भी टीम ने अभी तक नहीं इनको मैट पर रखा है, लेकिन हाँ जितना मौका मिला उतने में इस बंदे ने कमाल का खेल दिखाया है। इस बार के प्लेइंग 7 में पंकज मोहिते जरूर देखने को आपको मिलेंगे। बाकी ये 3 हमारे जो नाम है ये स्टैंड बाई में रहेंगे। स्ट्रेंथ इसकी जो है वो आके मोहित गोयत और इन असलम इनामदार हैं, चूँकि ये रेडिंग के साथ साथ इनकी डिफेंडिंग स्किल भी बहुत तगड़ी है। ये ऐसे युवा रेडर हैं जो रेडिंग के साथ साथ डिफेंड भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले सीजन में असलम इनामदार ने कई मैचों में तो अपने डिफेंडरों से ज़्यादा डिफेंस पॉइंट लिए थे। मोहित गोयत भी काफ़ी अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। इसके बाद से जब थोड़ी सी बात की जाए तो इनके जो कॉर्नर हैं जो कि स्टार्टिंग 7 में जो होने वाले हैं, सबसे पहले तो आपका लेफ्ट कॉर्नर जो आपका वो आप सबको पता है कि कोई नहीं सिर्फ एक ही बाहुबली है कबड्डी में डिफेंस के मामले में, वो है आपके फजल अंतराचली, ये आपके लेफ्ट कॉर्नर को संभालेंगे, और सेकेंड राइट कॉर्नर को आपके सोमवीर गुलिया प्लेइंग 7 मेरे हिसाब से संभालते हुए नजर आएंगे। अब ये दोनों, सोमवीर गुलिया का परफॉर्मेंस पिछले सीजन 2 सीजन में डाउन ना, लेकिन जब ये तेलुगु टाइटल्स से थे तो विशाल भारद्वाज के साथ में इनकी जोड़ी कमाल की थी, कमाल की। इन दोनों ने मिलके समझे विपक्षी रेडरों को जीना मुश्किल कर दिया था। तो सोमवीर गुलिया और फजल अंतराचली स्टार्टिंग के मैचों में प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे, और ये मैं कहूँ तो ये उनकी स्ट्रेंथ भी है, ये उनकी मजबूती रहेगी, ये कमाल की डिफेंस होने वाली है। इसके बाद से जो आपके राइट कवर में अगर बात की जाए तो राइट कवर में स्टार्टिंग में आपको जहाँ तक मुझे लगता है बाला साहब जे दिखाई देंगे स्टार्टिंग में, और जो इसके साथ में जो इनके लेफ्ट कवर रहेंगे, लेफ्ट कवर में मोहम्मद नबी बख्श,
मोइन नमगी बॉक्स को मैं देखूंगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास तीन हमारे ट्रेडर मोहित बोलते, असलम इनामदार, पंकज मोहित, ठीक है। इसके बाद से हमारे लेफ्ट कॉर्नर में फजल अंतरा चली, फिर आपके राइट कॉर्नर में सोमवीर गुलिया, फिर आपके लेफ्ट राइट कवर में बाला साहब और आपके लेफ्ट कवर में मोइन नबी बख्श। ये टीम मेरी प्लेइंग सेवन की रहेगी स्टार्टिंग की। और सबसे इनके प्लस पॉइंट की मैं बात करूँ, इनकी प्लस पॉइंट इनके कॉर्नर और प्लस में इनके जो दोनों जो युवा रेडर हैं ये हैं, क्योंकि इनके पास रेडिंग के साथ साथ डिफेंडिंग स्किल भी है। अब हम बात करते हैं इस टीम की वीकनेस की। अगर मैं इन सात खिलाड़ियों को मैं निकाल दूँ, सात खिलाड़ी में से अगर एक से दो भी खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाते हैं या आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, फिर इस टीम की नैया का बेड़ा गर्क है, फिर ये टीम उभरने वाली नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अगर मोहित गोयती या असलम इनामदार में से कोई चोटिल हो जाता है या आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, या सोमवीर गुलिया या फजल अंतराचली में से कोई भी आउट ऑफ फॉर्म हो जाए या नहीं खेल पाए, चोटिल हो जाए किसी कारणवश ना खेल पाए, तो फिर इस टीम का कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये टीम डेफिनेटली हारेगी, ठीक। क्योंकि बाकी इनके पास खिलाड़ी तो है लेकिन ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसके पास एक्सपीरियंस है, और जब तक एक्सपीरियंस और जोश दोनों मिलती नहीं है कबड्डी इतना आसान होता नहीं है। इसलिए कबड्डी में दोनों चाहिए, जोश प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर एक्सपीरियंस की बात की है तो फजल अंतराचली के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मोइन नबी बख्श के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इस पूरे स्क्वाड में मुझे कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिख रहा है जिसके पास अच्छा खासा अनुभव है। हाँ, जोश की कमी नहीं है इस टीम के पास, जोश भरपूर है लेकिन कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए ये टीम को अगर आउट ऑफ 10 मुझे आंकने को कहा जाएगा तो मैं इस टीम को 6.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10 में पुनरिपल्टन के। और ये 6.5 खास तौर पे इन दो खिलाड़ियों की बदौलत और एक फजल अंतराचली, मात्र मैं इन तीन खिलाड़ियों की बदौलत मैं पुनरिपल्टन को 6.5 पॉइंट दे रहा हूँ। इसके अलावा इस टीम के पास कोई खास अनुभव नहीं है, कोई खास दम नहीं है, और अगर ये टीम जीतेगी भी तो ये आप और हम दोनों लोग इसके गवाह बनेंगे। मैच एनालिसिस चलता रहेगा हमारा उस दौरान, तो आपको देखने को मिलेगा ये टीम जब भी जीतेगी, जब भी अच्छा करेगी, तो ये तीन खिलाड़ी उसके मेन कर्ता धर्ता होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम कल एक नई कमेंट करके बताइएगा किस टीम का मैं फुल स्क्वाड लेकर आऊँ, एनालिसिस करूँ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।